अ वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। क्लास आज की फिर से लेट है, पर आपको पता है अमन सर की क्लास आएगी ज़रूर, भले लेट आए, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। क्लास अगर आपको मिल रही है रोज़, ज़रूर से आप उस क्लास को फॉलो करें। ये जो खुद आप कुछ खूबसूरत सी तस्वीर देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये आज के अपने एडिटोरियल का है टाइटल, द हिंदू के एडिटोरियल का, जिसका नाम है फ्लो एंड ऐप। अब ये क्या होता है फ्लो एंड ऐप, फटाफट आपको बता देता हूँ। देखिए, फ्लो मतलब ज्वार, ऐप मतलब भाटा। ज्वार भाटा तो आप समझते हैं ना क्या होता है, चलो जो हिंदी नहीं समझते उनके लिए, आपका ये समुंदर है, ये समुंदर का पानी जब किनारे की तरफ आएगा, इसको आप क्या बोलेंगे, ज्वार। मतलब तेज़ी से एक लहर आएगी और उस लहर के साथ ये पानी जो है ना आगे किनारे तक आ जाएगा, उस लहर को हम बोलते हैं फ्लो, हिंदी में ज्वार, इंग्लिश में फ्लो। जब ये पानी यहाँ आएगा और उसके बाद रिसीड करेगा, बैक ऑफ करेगा, वापस समंदर की तरफ जाएगा, तब उसको हम हिंदी बोलते हैं भाटा, इंग्लिश में बोलते हैं ऐप। तो फ्लो एंड ऐप, ज्वार एंड भाटा। अपना एडिटोरियल कह रहा है कि यही ज्वार और भाटा, फ्लो एंड ऐप हमें देखने को मिल रहा है इंडिया की क्रिकेट परफॉर्मेंस में। फटाफट से शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन, आप सुन रहे हैं YD योर इंग्लिश ट्यूटर को। बहुत अच्छा लिखा हुआ आज का एडिटोरियल है। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, अभी यहाँ पर वीडियो की साउंड को कम करें, 1.5x स्पीड पर चलाएँ और फटाफट से अपने आप से इस एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश करें मेरे साथ। वहीं पर साउंड को ऑन करें जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ रही है मेरी जो है ना एक्सप्लेनेशन की। और अच्छा करना है ना, अभी इस वीडियो को जाकर के उसके जो PDF को आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर, सॉरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की रखा है, वहाँ से जो है PDF को डाउनलोड कर लें, खुद से पढ़ने की कोशिश करें। मत देखें इस वीडियो को, अगर आप खुद से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, एडिटोर को पढ़ सकते हैं, मेरे लिए सर अचीवमेंट की खुशी की बात कोई भी नहीं है। चलो शुरू करते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है इंडिया हैड अ रूट जॉल्ट इन द न्यूजीलैंड आफ्टर डूइंग वेल इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। कह रहा इंडिया के पास था, इंडिया हैड, और क्या था, एक बहुत ही ख़राब सा रूड सा जोल्ट। जोल्ट होता है झटका, शॉक लगता है ना आपको, सेटबैक लगता है, उसको कहते हैं जोल्ट। तो कह रहा इंडिया ने एक्सपीरियंस किया एक बहुत ही ख़राब सा झटका, और कहाँ पे, न्यूजीलैंड के अंदर। अच्छा कब, कह रहा आफ्टर बाद में, बहुत अच्छा करने के, डूइंग वेल करने के, और किसके अंदर, इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की सबसे छोटे फॉर्मेट में, जिसको हम बोलते हैं 2020। समझ गए ना, बोले 2020 में तो बहुत बढ़िया खेले, अब लगा आपको बड़ा रूड सा जॉल्ट। सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, इसका सब्जेक्ट है ग्रीन, इसकी वर्ब है हैड, जो कि मेन वर्ब बन के आई है। इट्स नॉट एन ऑक्सिलरी वर्ब, इट्स नॉट एन हेल्पिंग वर्ब, इट्स अ मेन वर्ब। कैसे पता लगा मुझे, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती। देख रहे हो कहीं थर्ड फॉर्म इसके बाद, नहीं है ना। पूरे एडिटोरियल की सब्जेक्ट और वर्ब मैंने कर दिए मार्क, आपको पढ़ने में आसानी होगी, ऐसी मेरी है एक्सपेक्टेशन आपसे। अब इस सेंटेंस में आ जाओ देखने वाली चीज़ों पे। जोल्ट नाम का वर्ड आपको मैंने भी बताया, शॉक बोलते हैं, ब्लो बोलते हैं, और इसको आप बोल सकते हैं सेटबैक। अब आपका मुझसे सवाल होगा, सर सेटबैक तो नाकामयाबी होती है ना, आपने बहुत बार बताया सेटबैक मतलब नाकामयाबी, नाकामयाबी। एक्चुअल में सेटबैक का मतलब होता है नाकामयाबी से मिलने वाला झटका, उसको आप नाकामयाबी भी बोल सकते हो, फेलियर भी बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो शॉक ऑफ द फेलियर, है ना। तो दोनों जगह इस वर्ड को आप यूज़ करें, फेलियर के लिए भी और फेलियर से आने वाले जोल्ट के लिए, झटके के लिए भी। चलिए कह रहे छोटी समरी दे देता हूँ, वैसे पता लग गया आपको, 2020 में इंडिया ने बहुत अच्छा किया और अब आज की डेट में न्यूजीलैंड के अंदर टेस्ट के अंदर लड़खड़ा रही है। अपना एडिटोरियल जो है ना थोड़ा सा परेशान है आज, थोड़ा भावुक हो गया, इमोशनल हो गया, राहुल द्रविड़ को याद कर रहा है बहुत। कह रहा अभी द्रविड़ साहब होते हैं तो कुछ और नज़ारा होता, आजकल के लंदन में जो अपने इंडियन क्रिकेट टीम है ना, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, 2020 खेल जाते हो, टेस्ट के अंदर आपका जब रियल टेस्ट होता है तब आप नहीं खेल पाते हो। समझ गए, शुरू करते हैं। कह रहे इंडियाज रीसेंट क्रिकेट टूर ऑफ न्यूजीलैंड हैज़ बिन अ टेल ऑफ स्पेक्टेकुलर राइज फॉलोड बाय अ डिबिलिटेटिंग फॉल। बहुत सिंपल लिखा हुआ है, कह रहे इंडिया का जो हाल का क्रिकेट टूर था ना, ये क्रिकेट टूर हो गया हमारा सब्जेक्ट, और कहाँ का, न्यूजीलैंड का। अच्छा वो क्या है, वो हैज़ बिन, वो बन गया है, वो रहा है, क्या एक टेल, एक ऐसी कहानी, और किसकी, एक बड़े स्पेक्टेकुलर शानदार सी राइज की, एक शानदार से उठाव की। और कैसा राइज है, जो कि फॉलोड बाय हो रहा है, जिसके बिल्कुल बाद में आ रहा है एक डेबिलिटेटिंग सा फॉल, एक ऐसी गिरावट जो डेबिलिटेटिंग है, बड़ी पेनफुल है, बड़ी आपको मजबूर कर देने वाली है, समझ गए, डेबिलिटेटिंग। अब इस सेंटेंस में देखो ध्यान से, क्रिकेट टूर सब्जेक्ट बन के हैज़ बिन इसकी वर्ब, यहाँ पे हैज़ भी लिंकिंग वर्ब है और बिन भी लिंकिंग वर्ब है, दोनों हेल्पिंग वर्ब है ना, मेन वर्ब कोई भी नहीं आई है,
मतलब ये सेंटेंस में ये सब्जेक्ट, ये अब लिंकिंग वर्ब और ये टेल बन गई इसकी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको मैंने सिखाया ना, जब मेन वर्ब नहीं आए तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लिंक वर्ब का काम करती है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करती है। और देखो स्पेक्टेकुलर होता है शानदार, जिसको आप स्पेक्ट कर सको, देख सको, वहीं से वर्ड बनाए। शानदार के लिए बहुत अच्छे अपने पास वर्ड्स हैं, इनको आप डेली लाइफ में यूज़ करें इन वर्ड्स को। अमेजिंग, मार्वलस, स्टनिंग, आप बोलते हो ना क्या स्टनिंग है यार, क्या अमेजिंग है यार, क्या मार्वलस है, वही है स्पेक्टेकुलर। फॉलोड बाय, जहाँ भी आ जाए ना तो बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है आपको, कौन से चीज़ किसको फॉलो कर रही है, ये राइज फॉलो कर रहा है या फॉल फॉलो कर रहा है। फॉलोड बाय का मतलब यही होता है, इसके बाद में जो चीज़ आएगी ना फॉलोड बाय के, वो फॉलो कर रही है एक्चुअल में। पहले वाली चीज़ पहले है, फॉलोड बाय के बाद वाली चीज़ बाद में है। जैसे द क्रेटा ऑन द हाईवे वॉज बींग फॉलोड बाय द नैनो, तो नैनो फॉलो कर रही थी क्रेटा को, इसलिए फॉलोड बाय के बाद नैनो लिखा, फॉलोड बाय से पहले क्रेटा लिखा। समझ गए ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाद में जो आए वो फॉलो कर रहा है, पहले जो आए उसको फॉलो किया जा रहा है। कह रहा है 5-0 स्वीप इन द 2020 सीरीज वॉज सीन एज द परफेक्ट लॉन्च पैड फॉर विराट कोहली'स मैन टू एक्सटेंड देयर सुप्रीमसी इन द सब्सिक्वेंट वन डे इंटरनेशनल एंड टेस्ट। सेंटेंस सिंपल है, थोड़ा सा लंबा है। कह रहा है 5-0 की जो स्वीप थी, अब देखो स्वीप क्या होता है, आपने स्वीपर सुना होगा ना वर्ड स्वीपर, वो क्या करता है, स्वीप करने का काम करता है ना, साफ सफाई करने का काम करता है। इंग्लिश में जो साफ सफाई, हिंदी में जो साफ सफाई बोलते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्वीप। तो कह रहे हैं जो 5-0 का साफ सफाई हमने किया ना, 5-0 से हमने सीधे सीधे हरा दिया, और कहाँ पे, 2020 सीरीज के अंदर। कह रहे हैं ये स्वीप थी ना, वॉज सीन, इसकी वर्ब क्या आई है यहाँ पे, वॉज सीन, ये देखी गई कैसे, एक परफेक्ट लॉन्च पैड की तरह, बिल्कुल अच्छे से एक जो है प्लेटफॉर्म की तरह, और किसके लिए, फॉर विराट कोहली'स मैन, विराट कोहली के लड़कों के लिए, उसकी टीम के मेंबर्स के लिए, और क्या, किस चीज़ के लिए, टू एक्सटेंड देयर सुप्रीमेसी, ताकि वो एक्सटेंड कर दे, बढ़ा दें अपनी सुप्रीमेसी को, अपने डोमिनेंस को, अपने प्रभाव को, और कहाँ पे, इन द सब्सिक्वेंट ODI एंड टेस्ट, बाद में आने वाले वन डे इंटरनेशनल और टेस्ट मैचेस में। समझ गए ना, तो पहले ये आया साफ सफाई करने वाला 5-0 का स्वीप, और देखा गया एक लॉन्च पैड की तरह कि आगे भी ऐसे स्वीप जो है ODI और टेस्ट में देंगे आफ्टर 2020। अब देख लो सेंटेंस में देखने वाला एक ही चीज़ है वर्ड सबसिक्वेंट, बहुत बार मैंने आपको बताया है, सबसिक्वेंट मतलब सब प्लस में सीक्वेंस, एक के बाद एक, एक ए के बाद बी, बी के बाद सी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, कमिंग आफ्टर। अब इसके लिए अपने पास दो सिनोनिम है, जहाँ भी ये तीनों चीज़ें मिल जाए ना वो मतलब एक जैसी होती हैं, सबसिक्वेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट इज इक्वल टू एंसुइंग, तीनों का मतलब एक ही होता है, इनको एक ही दिमाग के कोने में रखो तीनों वर्ड्स को। चलो कह रहे बट न्यूजीलैंड एट होम हैज़ ऑलवेज बीन एन इनडोमिटेबल ऑपोजिशन। कह रहे जिसके लिए जो न्यूजीलैंड है ना, कहाँ पे, एट होम अपने घर पे, हैज़ बीन, लिंकिंग वर्ब आ गई बिना मेन वर्ब के, हमेशा से रही है एक ऐसा ओपोजिशन, एक ऐसा जो है आपका विपक्षी जो है इनडोमिटेबल, जिसको आप डोमिनेशन नहीं कर सकते हो। डोमिनेशन जानते हो ना, किसी के ऊपर आप अपना अधिकार जमाते हो, डोमिनेट करते हो ना। कह रहे न्यूजीलैंड हमेशा घर पे ऐसी रही है जो इनडोमिटेबल ओपोजिशन की तरह रही है। अब देखो इस इनडोमिनेटेबल वर्ड से बहुत सारे वर्ड अपने कनेक्ट करेंगे इसके जैसे ही। आप पहले तो समझ गए ना इनडोमिटेबल, जिसको डोमिनेट ना किया जा सके, जिसके ऊपर अपनी जो है ना चला ना सको आप। अब देखो इनडोमिटेबल मतलब अनबीटेबल, जिसको आप हरा ना पाओ। इनविंसिबल, जिसको हरा सकते ही नहीं हो आप, है ना, इनविंसिबल। इम्प्रेगनेबल, जिसको आप जो आप ना प्रेग नहीं कर पाओ, मतलब जिसको भेद नहीं पाओ, जैसे कोई किला है ना, इनप्रेगनेबल। और स्टेडफास्ट, ऐसी चीज़ जिसने अपना पांव रख दिया और उसका पांव आप हिला नहीं पाओ, स्टेडफास्ट मतलब बहुत हट्टी, बहुत जिद्दी। तो इनडोमिटेबल से सारे वर्ड अगर आप कनेक्ट करो तो बहुत अच्छा बनेगा आपके दिमाग में छोटा सा, इनडोमिटेबल, अनबीटेबल, इनविंसिबल, इम्प्रेगनेबल एंड स्टेडफास्ट। बढ़े आगे, कह रहे जस्ट एज क्लाइव लॉयड्स मोरोडिंग वेस्ट इंडीज स्ट्रगल इन द अर्ली 1980s, इट वॉज इंडियाज टर्न टू ईट द हम्बल पाई। कह रहे जैसे ही, जस्ट एज, जो क्लाइव लॉयड था ना, ये जो आदमी था क्लाइव लॉयड, इसके जो मोरोडिंग वेस्ट इंडियंस थे, इसके जो वेस्ट इंडियंस ऐसे जो थे लुटेरे, देखो लुटेरे का मतलब ये नहीं है वो यहाँ करके अपनी जेबों में हाथ डाल लेते थे, मोरोडिंग मतलब लूट करके विक्ट्री को ले जाने वाले लुटेरे जाबाज। कह रहे जैसे इस क्लाइव लॉयड नाम के आदमी के लुटेरे जाबाज वेस्ट इंडियंस ने स्ट्रगल किया, ने जूझा, और कब, अर्ली 1980s में, 1980 की शुरुआत में। कह रहे जैसे ये हुआ था ना वैसे ही इट वॉज इंडियाज टर्न, अब बारी थी इंडिया की,
और क्या करने की, टू ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई को ईट करने की। अब ये क्या होती है, देखो हम्बल पाई ईट करना मतलब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हो बड़े ही छोटे मन से, समझ गए ना। आप पे किसी ने हंसी उड़ाई और आप उसके सामने हंस करके उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो ईट, ईट जो है हम्बल पाई को। ईट हम्बल पाई हमेशा मजबूरी में करते हैं अपने, खुशी खुशी नहीं करते हैं, और किसी गलत चीज़ को ही अपने स्वीकारते हैं, अपने उपहास को, अपनी हंसी को, समझ गए ना सेंटेंस को। तो मरोडिंग वर्ड को नोट कर लें, लुटेरा। कह रहे द ओडीआईज वर लॉस्ट एट 03 एंड इन द फॉलोइंग टू टेस्ट न्यूजीलैंड प्रिवेल्ड बाय 10 विकेट्स एंड 7 विकेट्स एट वेलिंगटन बेस इन रिजर्व एंड क्राइस्टचर्च हेगली ओवल रिस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल सेंटेंस है, कह रहे जो ओडीआई थे ना वो वर्ल्ड लॉस्ट हो गए, पैसिव वॉइस में वो हराए, हार दिए गए, हम जो है हार गए, और कैसे, 03 के द्वारा, एक भी नहीं जीते हम उसमें। कह रहे और जो बाद में आने वाले फॉलोइंग या सबसिक्वेंट या कॉन्सिक्वेंट या एनसुइंग जो दो टेस्ट थे ना उसमें न्यूजीलैंड उभर करके आया, उसने अपना परचम लहराया, प्रिवेल किया 10 विकेट से और 7 विकेट से, दो टेस्ट है ना, पहले में 10 दूसरे में 7, और कहाँ पे हुए ये, पहला हुआ वेलिंगटन बेसिन रिजर्व में और दूसरा हुआ क्राइस्टचर्च हेगली ओवल में, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। सिंपल सेंटेंस है, मेरे ख्याल से समझ हो गए, ज़्यादा मुझे इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब मिला लो मेरे भाई, फिर बोल रहा हूँ, कभी याद करोगे ज़िंदगी में, अगर इस जगह पहुँच जाओगे जहाँ इंग्लिश आप अच्छे से समझ जाओगे, वहाँ आप जाकर के याद आएगी आपको ये बात, कि एक अमन सर थे वो ऐसा कहते थे, जिसने सब्जेक्ट वर्ब मिला ली उसको इंग्लिश पकड़ में आ गई। चलो प्रिवेल वर्ड को नोट करना, जब आप उभर करके आते हो है ना, जिस चीज़ का परचम लहराते हो ना वो चीज़ प्रिवेल करती है ना, समझ रहे हो, प्रिवेल करना मतलब डोमिनेट, डोमिनेट, डोमिनेट करना, लास्ट के अंदर उभर करके आना। फिर द लास्ट मेंशन गेम फिनिश्ड ऑन मंडे विथ 2 days टू स्पेयर एंड द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक स्क्वाड लुक्ड bereft ऑफ आइडियाज। सारी वोकैबुलरी आ चुकी है जो आप देख रहे हो ना, नहीं नहीं, फिर जो लास्ट मेंशन गेम है ना, अब देखो कौन सा है, क्राइस्टचर्च हेगली ओवल। अगर आपसे अगर सवाल बनना हो यहीं पे बन जाएगा आरसी का, मैं पूछ लूँगा क्राइस्टचर्च हेगली ओवल के अंदर इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा, तो आपको यहाँ से पकड़ना, लास्ट मेंशन्ड गेम की बात कर रहे हैं हम। तो कह रहे हैं जो पुराना लास्ट मेंशन जो गेम है फिनिश हुआ सोमवार को ऑन मंडे, और कैसे, 2 दिनों के स्पेयर के साथ, देखिए विथ 2 days टू स्पेयर, मतलब 2 दिन अभी बाकी थे, 5 में से 3। कह रहे एंड वर्ल्ड्स नंबर 1 स्क्वाड जो थी ना, दुनिया की नंबर 1 पे जो बड़ी हुई टीम है वो दिखाई दी, आइडियाज से, विचारों से, ख्यालों से विरेफ्ट मतलब वंचित, मतलब इसके दिमाग में दिख रहा था कुछ भी नहीं है। इंडिया ऐसी इस तरह से बुरी तरह से हारी कि देख करके लोगों को लग रहा था कि इंडिया आइडियाज से खाली हो गई है, उस मैच में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विरेफ्ट वर्ड समझ गए ना, वंचित होना हिंदी में बोलते हैं, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवॉइड ऑफ, लैकिंग, मिसिंग, ये सब के सब जो हैं bereft के हैं synonym। ये ऑफ निकाल देता हूँ क्योंकि ऑफ तो लगा हुआ है ना इसके बाद में, तो devoid of भी लिख सकता था, lacking भी लिख सकता था, missing the ideas भी लिख सकता था। कह रहे इंडियन बैट्समैन floundered अगेंस्ट नैगिंग स्विंग बॉलिंग एंड ओल्ड nemesis while its speedsters led by जसप्रीत बुमराह emerged second best to the house attack। ऐसा लग रहा है रवि शास्त्री की कमेंट्री चल रही है ना, बहुत शानदार प्यारा सा लिखा हुआ है एडिटोरियल अपना। कह रहे जो अपने बैट्समैन थे ना फ्लॉन्डर कर गए, अब मेरे भाई बताओ फ्लॉन्डर करना क्या होता है, तुम्हें मैं शायद 20-25 बार बता चुका हूँ ये वर्ड, अगर तुम्हें तो देखने नहीं चाहिए नोट्स, देखते मुझे बता देना चाहिए। फ्लॉन्डर मतलब लड़खड़ाना, लर्च करना, वॉबल करना है ना। तो कह रहे इंडियन बैट्समैन ने फ्लॉन्डर किया, लड़खड़ा गए, किसके सामने, उस स्विंग बॉलिंग के सामने जो बड़ी नैगिंग है। नैगिंग मतलब आपको बड़ी परेशान करती है, ट्रबल करती है, पेनफुल है आपके लिए, पेनफुल से स्विंग बॉलिंग के सामने गए लड़खड़ा। अब देखो स्विंग बॉलिंग क्या है, नाउन इन ए पोजिशन में बता रहे एन ओल्ड नेमेसिस, एक पुराना इंडिया का दुश्मन, स्विंग बॉलिंग एक पुरानी इंडिया की परेशानी, नेमेसिस। कह रहे जहाँ वाइल इसके जो स्पीडस्टर्स से फास्ट बॉलर थे अगुवाई में लेड बॉय जसप्रीत बुमराह की, वो इमर्ज होकर आए, ओवर करके आए सेकंड बेस्ट की तरह होस्ट के मेजबान के अटैक के सामने। सेकंड बेस्ट का मतलब क्या है, मतलब फर्स्ट बेस्ट तो कोई और है, आप देखो दो ही टीम है, अगर आप सेकंड आए तो मतलब आप हार गए ना, तो दो टीम में से सेकंड बेस्ट होकर के आए मतलब पीछे रह गए इसके स्पीडस्टर्स। अब आ जाओ सेंटेंस में पीछे वाली देखने वाली चीज़ों पे, नैगिंग वर्ड को और नेमेसिस वर्ड को आप नोट करें। नैगिंग वर्ड को मैं बताता हूँ याद कैसे करना है, इंग्लिश में नैग का मतलब होता है कंप्लेन करना, जैसे मैं बोलूँ शी इज़ अ वेरी नैगिंग वाइफ,
ये एक ऐसी वाइफ है हमेशा कंप्लेन करती है ना, आता ही जो है आंसू बहाने शुरू कर दे, तो नेगिंग वहीं से वर्ड है ना अपने निकला है। अब देखो हर चीज़ कंप्लेनिंग तो नहीं हो सकती, स्विंग बॉलिंग तो कंप्लेन करेगी नहीं आकर के आपके पास, तो नेगिंग वर्ड का दूसरा मीनिंग ये होता है ऐसी चीज़ जो इतनी कंप्लेनिंग हो कि आपके लिए पेनफुल हो, ट्रबल करे आपको, एक्सक्रूशिएटिंग पेन दे आपको, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल। तो नेगिंग का दूसरा मीनिंग कैसे निकला है, कंप्लेनिंग से ही ट्रबलिंग या पेनफुल, ऐसे बना है स्विंग नेगिंग स्विंग बॉलिंग। दूसरा नेमसिस, अगर आपको थोड़ी बहुत अगर आपने पढ़ी हो तो जो अपनी काली माता थी ना वो नेमसिस थी, नेमसिस का ये मतलब होता है जो नाशक हो, जो मार संहार करे, हिंदी बोलते हैं नेमसिस, ठीक है ना। तो स्विंग बॉलिंग अपना नेमसिस हमेशा से रहा है। कह रहा केन विलियम्स मैन टफ इन देयर स्पॉट बट क्विक टू स्माइल प्रूव्ड दैट, कह रहा केन विलियम्स थे ना जो ये केन विलियम्सन न्यूजीलैंड के जो बैट जो कैप्टन है, इनके जो मैन थे, इनके जो खिलाड़ी थे, कह रहा जो कि टफ हैं, बड़े मजबूत हैं अपने गेम के अंदर, इन देयर स्पॉट बड़े क्विक हैं स्माइल करने में, समझ गए, मेजबान तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छी स्माइल करते हैं फटाफट से, और अपने स्पोर्ट के अंदर बड़े स्टेडफास्ट हैं, बड़े टफ हैं, इनडोमिटेबल हैं। कह रहा इन मैन ने ना प्रूव कर दिया दैट वो ये कि देयर 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल विक्ट्री ओवर द मैन इन ब्लू एट मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड वॉजेंट एन एक्सेप्शन, साबित ये किया कि उनके 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था ना, जो वो जो विक्ट्री थी ना मैन इन ब्लू के ऊपर, इंडिया के जवानों के ऊपर मैनचेस्टर्स के ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो विक्ट्री नहीं थी एक एक्सेप्शन, नहीं थी एक अपवाद, समझ गए ना। तो ऐसे इन्होंने प्रूव किया कि 2019 में हराया था ना आपको कोई, वो एक्सेप्शन नहीं था, फिर आपको हरा करके दिखा सकते हैं। अब आ जाओ सेंटेंस में, सब्जेक्ट इसकी वर्ब, सब्जेक्ट इसकी वर्ब, विक्ट्री वॉजेंट एक्सेप्शन, है ना। मैन इन ब्लू आप समझ गए, इंडियन क्रिकेटर्स को मैन इन ब्लू किया जाता कहा जाता है क्योंकि हम जनरली ब्लू कलर की वर्दी पहन के, यूनिफॉर्म पहन के क्रिकेट खेलते हैं। एक्सेप्शन वर्ड आप जानते हैं। अब इसके साथ मैं आपको दो तीन ना अच्छे वर्ड्स बताता हूँ, फिर इडियम से बता दूंगा। फ्लूक, फ्लूक क्या होता है, जो एक बार आप कर जाओ फिर आपसे फिर से ना हो पाए, फ्लूक। और फ्लैश इन द पैन, ये एक इडियम है, इसका मतलब यही होता है जैसे कोई आ जाए, एक एक्टर आ जाए, उसकी बड़ी सी मूवी आए एकदम सुपर हिट, फिर उसकी ज़िंदगी भर कोई मूवी ना चले, है ना, तुषार कपूर जैसा। तो मैं बोलूँगा दैट सक्सेस, द सक्सेस ऑफ दैट मूवी वॉज अ फ्लैश इन द पैन फॉर द एक्टर, ऐसे इस एडियम को आप यूज़ करते हैं। कह रहा इंडियाज वॉज वॉज वूजनी वॉज टाइड अप विद हिस्ट्री टू एज सिंस इस मेडन टूर ऑफ न्यूजीलैंड ड्यूरिंग 1967-68 सीजन। अब यही रुक जाते हैं कोमा। कह रहा इंडिया की जो परेशानियाँ थी वॉज थे, वो बंध गए इतिहास के साथ में। टाइड अप विद हिस्ट्री का मतलब क्या है, पहले इतिहास में कोई चीज़ हुई थी वैसी एक चीज़ फिर से हो गई, तो उन्होंने टाई अप कर दिया इतिहास के साथ, टू वो भी, और कैसे, कह रहा एज सिंस जब से इट्स मेडन टूर, इसका जो अकेला टूर था, पहला टूर था न्यूजीलैंड का, और दौरान था 1967-68 के सीजन के अंदर, कह रहा तब से अब कुछ हुआ है, कह रहा इट हैज़ वन जस्ट टू टेस्ट सीरीज, इसने जीती हैं महज दो टेस्ट सीरीज को, और कह रहा है वाइल लूजिंग सिक्स, हारते हुए छः को, एंड ड्रॉइंग लेवल इन द रिमेनिंग टू जॉस्ट, और ड्रॉ करते हुए लेवल को, ड्रॉ करते हुए मैचेस को लास्ट के दो जॉस में, टूर्नामेंट्स में, एनकाउंटर्स में, समझ गए। अब इस सेंटेंस को शायद एक बार रिपीट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें टाइड अप आप देख लें, बंधा हुआ होना फ्रेजल वर्ब, वोज आप जानते हैं परेशानियाँ। अब यहाँ से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, कह रहे ये ऐसे टाइड अप हुआ क्योंकि इसने जीते सिर्फ दो टेस्ट सीरीज को, कैसे, चार तो गई लूज कर गई, छह तो लूज कर गई, और दो के अंदर इसने जो है ड्रॉ, जो है लेवल ड्रॉ कर दिया। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज, कल आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, याद है ना आपको, प्लेइंग माय गिटार एंड लिसनिंग टू माय फेवरेट म्यूजिक आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, गिटार प्ले करते हुए अपने सबसे अच्छे सॉन्ग को सुनते हुए मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, बताओ मेन वर्ब कहाँ है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, इसमें थिंकिंग है मेन वर्ब, प्लेइंग गिटार साइमल्टेनियस एक्शन, लिसनिंग टू द म्यूजिक साइमल्टेनियस एक्शन, साइमल्टेनियस एक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, और जो आपकी मेन वर्ब है यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे भी वही हुआ है, लूज करते हुए और ड्रॉ करते हुए लेवल को, समझ गए ना। साइमल्टेनियस एक्शन के साथ में वाइल नाम का जो है ना एडवर्ब लगा करके, जो है कंजंक्शन लगा करके, सॉरी, इसको हम कभी कभी एक एडवर्ब क्लॉज भी बना देते हैं, तो वाइल आप रख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। जॉस वर्ड को नोट कर लें, मैच कॉम्बैट कॉन्टेस्ट एनकाउंटर भिड़ंत मुठभेड़ सबका मतलब होता है जोस्ट, किसी के साथ प्रतियोगिता। कह रहा है इंडिया मिस्ड एंड इंजर्ड रोहित शर्मा अटॉप द बैटिंग ट्री
एंड इट्स लेडीज ओपनिंग पेयर ऑफ मयंक अग्रवाल एंड पृथ्वी शॉ. कह रहे इंडिया मिस कर गई, यहाँ पे मिस की मुझे थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ. कह रहे इंडिया मिस कर रही थी एक इंजर्ड रोहित शर्मा नाम के बैट्समैन को. और कौन है बैट्समैन? जो कि अटॉप है, एट द टॉप ऑफ है, सबसे ऊपर है बैटिंग ट्री के, समझ गए ना, बैटिंग ऑर्डर के अंदर सबसे ऊपर सबसे टॉप का आदमी है. और क्या कह रहा है, इसका जो लेटेस्ट ओपनिंग पेयर था जिसका नाम क्या था, मयंक अग्रवाल एंड पृथ्वी शॉ. कह रहे ये पुट ऑन कर गए, ये रख कर के आए एक छोटे से अलायंस को, छोटी सी भागीदारी को, जो थी 16, 27, 30 और 8 की, समझ गए. और जो ओपनिंग पेयर है फेल हो रहा है और टॉप बैट्समैन जो है काम में आ नहीं रहा. अभी सेंटेंस में देखने वाली चीज़ ये क्या है, अटॉप एडवर्ब है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, एट द टॉप ऑफ या ऑन द टॉप ऑफ भी लिख सकता हूँ. मिनिस्कुल मतलब ना के बराबर, एक दो छोटा सा होता है ना, बिल्कुल आपके हाथ में जो उंगलियों के बीच में भी ना है, मिनिस्कुल. एक और चीज़ आपको पता है, हमेशा अपने किसी सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगाते हैं, पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पजेसिव नाउन या पजेसिव प्रोनाउन आ जाए तो अपने द को ओमिट करते हैं. तो इट्स द लेटेस्ट नहीं लिखूंगा, इट्स लेटेस्ट लिखूंगा. अगर यहाँ इट्स नहीं आया होता, यहाँ पे कुछ और आया होता एंड के बाद में, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लेटेस्ट के पहले द लगाता. चलिए, करे द मिडल ऑर्डर वॉज एक्सपोज्ड अर्ली टू सीमर्स टिम सऊदी ट्रेंट बोल्ट एंड काइल जेमिसन. करे जो मिडल ऑर्डर था ना वो एक्सपोज हो गया. कल ही आपको बताया था मैंने, एक्सपोज होना क्या होता है, किसी के सामने वल्नरेबल हो जाना, किसी के सामने अपना कवर खोल देना, मतलब आप उससे बिल्कुल वहाँ पे अटैक कर सकता है. तो मिडल ऑर्डर जो है एक्सपोज हो गया, वल्नरेबल हो गया, ससेप्टेबल हो गया, चपेट में आ गया बड़ी जल्दी सीमर्स की. सीमर्स कौन होते हैं? फास्ट बॉलर्स. कौन कौन है ये? ये वाला और ये वाला. सीमर्स मतलब फास्ट बॉल भी करते हैं और बॉल को सीम भी करवाते हैं. कह रहे अब ये तीनों कौन है, हु बिटवीन दैम बैग्ड 34 विकेट्स टू स्नप आउट एनी लेटेंट रेजिस्टेंस विद इन द इंडियन रैंक्स. कह रहे जिन लोगों ने, इन तीन महाशयों ने, जिन लोगों ने हु बैक कर लिया, अपने पास जमा लिया, बैक करना मतलब क्या है, हथियार लेना, अपने बीच में हथियार लिया 34 विकेट को मार देने के लिए किसी भी छुपे हुए प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को इंडिया के रैंक्स के अंदर, इंडिया के खिलाड़ियों के अंदर. समझ गए सेंटेंस को? यहाँ से एक बार बता देता हूँ फिर से, फिर इसमें कॉन्सेप्ट आएगा वो ध्यान से देखना. हु बिटवीन देम का मतलब क्या है, मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ फिर आप देखो. हिंदी में बता रहा हूँ पहले. हम तीनों लोगों ने अपनी पॉकेट जो है ना चेक की और हमारे पास 300 रुपये थे. इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? वी हैड 300 रुपीज बिटवीन अस. क्या लिखूंगा? बिटवीन अस व्हेन वी चेक्ड आवर पॉकेट्स. बिटवीन अस का मतलब क्या है? हम तीनों के बीच में. अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, अमंग अस नहीं लिखते इसमें, बिटवीन अस एक फ्रेज है. आप चाहे 3 आदमी हो चाहे 50 आदमी हो, आपको बिटवीन अस ही लिखना होता है. तो वो ये कह रहा है, इन्होंने अपने बीच में बैक कर लिया, हथियार लिया 34 विकेट को तीनों ने मिला करके, मार देने के लिए किसी भी छुपे हुए रेजिस्टेंस को इंडिया के रैंक्स के अंदर. स्नफ आउट फ्रेजल वर्ब, दम निकाल देना किसी को, किल कनेक्ट कर देना, एलिमिनेट कर देना, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है स्नफ आउट का. लेटेंट मतलब छुपा हुआ, रेजिस्टेंस आप जानते हैं प्रतिरोध. यहाँ पे BAGGED है, यहाँ पे BE होता ना तो भीख मांगना हो जाता. बैग्ड और बैग्ड में फ़र्क यही होता है, बैग मतलब अपने बैग में डाल लेना, बैग मतलब भीख मांग लेना. कह रहा कोहली सफर्स द बैटिंग हॉरर्स विद अ मेयर 38 एट एन एवरेज ऑफ 9.50. कोहली साहब ने सफ़र किया बैटिंग हॉरर्स को, उन्होंने, हॉरर क्या होती है, एकदम जो आपको भयानक चीज़ होती है ना, रात में आपको जगाए नहीं, जो जो सोने ना दे. तो कोहली साहब ने ऐसे बैटिंग हॉरर्स को सफ़र किया, उनको महसूस किया, खाली खाली 38 रन की एवरेज, 38 रन के साथ, और एवरेज थी इनकी 9.50 की. हॉरर के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है हमारे पास, नाइट मेयर. नाइट मेयर मतलब ऐसी चीज़ जो आपको रात में सोने ना दे. कह रहा ऑब्वियसली एन एवरेशन इन हिज अदरवाइज एक्सेम्पलरी रिकॉर्ड बट द स्कीपर्स फूअर फॉर्म अफेक्टेड द टीम. कह रहा बिल्कुल ऑब्वियसली एक एवरेशन, एक ऑडिटी, एक एक्सेप्शन, एक डेविएशन. कह रहा बिल्कुल सीधे सीधे जो एक एक्सेप्शन है उसके अदरवाइज एग्जेम्पलरी रिकॉर्ड में, दूसरे तरीके से देखे जाने वाले खास रिकॉर्ड के अंदर, एग्जेम्पलरी रिकॉर्ड में. कह रहा भले ही एक जो है एबरेशन हो, एक्सेप्शन हो, कह रहा बट लेकिन जो स्कीपर है ना उसकी जो पुअर फॉर्म है उसने अफेक्ट कर दिया पूरी की पूरी टीम को.
पूरी टीम पे उसने असर डाला, भले ही ऐसी जो परफॉर्मेंस है हमेशा ये नहीं देता। एबरेशन वर्ड समझ गए ना, जो चीज़ हमेशा ना हो ना कभी कभी हो उसको बोलते हैं एबरेशन या डेविएशन। चलिए एग्जाम्पलरी मतलब जिसके आप एग्जाम्पल दे सकें, जिसकी दुहाई दे सकें, देखो देखो देखो, है ना, एग्जाम्पलरी पैराडाइम बोल सकते हैं इसको आप। कह रहा मीनवाइल इसी बीच में बुमरा एंड कंपनी विदाउट इनफ रन्स ऑन द बोर्ड बैकिंग दैम कुड नॉट एक्सर्ट प्रेशर एंड देयर बॉलिंग वॉजेंट एज इफेक्टिव। कह रहा इसी बीच बुमरा एंड कंपनी मतलब हमारे फास्ट बॉलर्स, कह रहा बिना रनों के बोर्ड के ऊपर उनको बैक किए। देखिए विदाउट इनफ रन मतलब ज़्यादा रन बने नहीं, ऑन द बोर्ड मतलब सामने जो स्कोर बोर्ड है उसके ऊपर, और बैक दैम मतलब उनको बैक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। कह रहा बिना रनों के उनके सपोर्ट के नहीं एग्जर्ट कर पाए, नहीं लगा पाए प्रेशर को, और क्या है उनकी जो बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं थी एज इट वॉज इन द पास्ट, जितनी ये हुआ करती थी पास के अंदर। समझ गए ना, अफेक्ट करना मतलब असर डालना, अफेक्ट इज अ वर्ब, इसके आगे मैं ई लगा दूं तो इफेक्ट बन जाएगा, दैट इज अ नाउन, है ना। दूसरी चीज ऑन द बोर्ड आप समझ गए, एग्जर्ट, देखिए एग्जर्ट करने का मतलब क्या होता है, आप इसको वर्ड को हमेशा इन्फ्लुएंस पावर और जो है ना प्रेशर के साथ में देखोगे। एग्जर्ट करने का मतलब होता है इस्तेमाल में लेना और किसी चीज़ को अप्लाई करना। एग्जर्ट प्रेशर मतलब प्रेशर डालना, एग्जर्ट इन्फ्लुएंस मतलब अपना प्रभाव दिखाना, एग्जर्ट पावर मतलब अपनी सत्ता का पावर को यूज में लेना। एग्जर्ट इस वर्ड को हमेशा इन तीन वर्ड्स के साथ नोट करके रखें। कह रहे द लेटेस्ट स्लंप इन द न्यूजीलैंड डिड नॉट रिवर्स इंडिया सुप्रीमसी इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल। कह रहे जो लास्ट स्लंप आया ना, लेटेस्ट जो मंदी आई है, जो गिराव आया है न्यूजीलैंड के अंदर जो आया है, कह रहे इसने रिवर्स नहीं किया, इसने उल्टा नहीं फेरा, यू टर्न नहीं मरवाया इंडिया की सुप्रीमेसी को, संप्रभुत्व को, डोमिनेंस को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसकी टेबल पे, है ना। अभी भी टेस्ट के अंदर हम डोमिनेट करते हैं, भले ही न्यूजीलैंड में हार करके आए हैं। कह रहे जहाँ कोहलीज यूनिट स्टिल सेस ऑन द टॉप विथ 360 points, जहाँ पे कोहली की यूनिट अभी भी बनी हुई है, स्टे करती है टॉप के ऊपर 360 पॉइंट्स के साथ में। अब कैसे करती है, अहेड ऑफ सेकंड प्लेस ऑस्ट्रेलिया 296 points, बिल्कुल पहले दूसरे स्थान पे आने वाले ऑस्ट्रेलिया के, जिसके ये पॉइंट्स है। बहुत सिंपल एडिटोरियल आज का, आप कोशिश ये करना इसकी समरी लिखो जिसमें ज़्यादा रन वन नहीं बताने आपको, इंडिया के कोई स्कोर वर्ड नहीं बताना, 3-4 sentences के अंदर, सिंपल वर्ड्स के अंदर इसकी समरी लिखो। कल की समरी मैं अभी शाम में बैठ करके रात में जो है ना उनको मैं इवेल्युएट करूँगा, जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं, कोशिश करता हूँ मैं मैक्सिमम व्यूअर्स के कमेंट्स को मैं जो है प्रूफ रीड कर पाऊँ। समरी लिखो, प्रूफ रीड करके डालूंगा कल की समरी में। निमिषा पंत, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा निमिषा की समरी सबसे अच्छी थी कल की। कह रहा हाउएवर हालांकि न्यूजीलैंड ली फ्रॉक्ड फ्रॉम द सिक्स लॉ टू थर्ड एंड इज सिटिंग वेल विद इन विद 180 points। कह रहा हालांकि जो न्यूजीलैंड है ना वो ली फ्रॉक कर गई, उछल करके आ गई 6वें स्थान से 6 स्लॉट से तीसरे स्थान पे, और अभी सिट कर रही है 180 पॉइंट्स के साथ में बड़े अच्छे तरीके से। वेल अब देखो लीप फ्रॉग करना क्या होता है, लीप मतलब उछलना, फ्रॉग मतलब मेंढक। जब आप डड्डू की तरह मेंढक की तरह उछल करके कुछ काम करते हो ना, बहुत आगे उछल करके चले जाते हो, तो आप करते हो लीप फ्रॉग। यही काम किया न्यूजीलैंड ने तीसरे स्लॉट से 6 स्लॉट तक। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है लीफ्रॉग, दूसरी है इज सिटिंग। यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन बनाना होता क्लोज फेस का तो मैं यहाँ से इसको निकाल लेता और यहाँ सिटिंग लिख देता, तो आप देखते सब एंड के बाद में दूसरी वर्ब तो आई है पर इस वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये सेंटेंस आपको सही करना होता। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एक सब्जेक्ट दो वर्ब्स भी ले सकता है, पर दोनों वर्ब्स की हेल्पिंग वर्ब्स को आपको सेपरेटली लिखना होता है अगर वो अलग अलग हों तो। कह रहा है इंडिया हैज़ बैट्समैन अप्लेंटी Who can hasten its scoring rate? कह रहा है इंडिया के पास हैं बैट्समैन अप्लेंटी, अप्लेंटी मतलब बहुत सारे। मैं अब यहाँ पे यूँ भी लिख सकता था प्लेंटी ऑफ बैट्समैन या अबेंडेंट बैट्समैन, तब यहाँ पे वो आता बैट्समैन से पहले एडजेक्टिव बनके, बाद में आया मतलब एडवर्ब बनके। कह रहा है इंडिया के पास बैट्समैन है बहुत सारे जो कि हेसन कर सकते हैं, जो कि बढ़ा सकते हैं, तेजी से करवा सकते हैं इसकी स्कोरिंग रेट को, रन करने की रफ्तार को। कह रहा है बट इट ऑल्सो नीड्स विलो विल्डर्स कैपेबल ऑफ बैटिंग फॉर टाइम इन टेस्ट। लेकिन इसको साथ ही साथ ज़रूरत है ऐसे बल्लेबाजों की, विलो विल्डर्स की, जो कैपेबल ऑफ हैं, ताकत है जिनमें बैटिंग करने की फॉर टाइम, लंबे वक्त के लिए टेस्ट मैचों के अंदर। अब कह रहे आगे कौन लगा के अ स्पिरिट दैट राहुल द्रविड एनकैप्सुलेटेड। एक ऐसी भावना थी, एक ऐसी क्वालिटी थी, स्पिरिट थी, जिस जो कि राहुल द्रविड में
एनकैप्सुलेटेड थी, जो कि राहुल द्रविड़ ना अपने अंदर समा करके रखते थे। कह रहा है एंड वन, और वो जो कि है दैट इज एविडेंट इन चेतेश्वर पुजारा टू, जो कि साफ साफ है जाहिर है इस आदमी के अंदर भी। समझ के सेंटेंस को, मैं वो रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो। लास्ट सेंटेंस अपना कह रहा है इंडिया के पास हैं बैट्समैन बहुत सारे जो कि बढ़ा सकते हैं इसकी स्कोरिंग रेट को, बट साथ ही साथ इसको ज़रूरत है ऐसे विलो विल्डर्स, ऐसे बैट्समैन की जो ताकत रखते हैं, कैपेबल ऑफ हैं बैटिंग करने के लंबे वक्त के लिए टेस्ट मैचेस के अंदर, जो कि एक ऐसी स्पिरिट है, एक ऐसी भावना, एक ऐसी क्वालिटी है राहुल द्रविड़ जिसको एनकैप्सुलेट करते थे, अपने अंदर समा करके रखे हुए थे, और वो एक ऐसी चीज़ है वन जो कि एविडेंट है चेतेश्वर पुजारा नाम के बैट्समैन के अंदर भी। विलो विल्डर, देखो वर्ड कैसे बनाए, विल्ड करना मतलब किसी चीज़ को पावर को यूज़ करना, आप कोई लाठी अपने हाथ में लेकर के उसको घुमाते हो ना तो विल्ड करते हो, विल्ड मतलब किसी चीज़ को यूज़ लेना, विलो मतलब क्रिकेट का बैट, क्रिकेट के बैट जिस लकड़ी से बनता है ना उसको विलो बोलते हैं, तो करे क्रिकेट के बैट को विल्ड करने वाले अब कौन हो गए, बैट्समैन। तो बड़े अच्छे तरीके से इसने बैट्समैन को लिख दिया विलो विल्डर्स। एंड कैप्सुलेट करने का मतलब क्या होता है, देखिए कैप्सुलेट मतलब किसी चीज़ को कैप्सूल की तरह अपने अंदर संभाल लेना, कैप्सूल क्या करता है सारी चीज़ों को बाहर से कवर करके अपने अंदर रखता है, एंड कैप्सुलेट यही होता है अपने अंदर कवर कर लेना, संभाल लेना अपने अंदर या इनहेरिट कर लेना। कह रहा है इट नीड्स सम मोर ऑफ द सिल्क, इसको ज़रूरत है कुछ और इस टाइप के लोगों की, सम मोर कुछ और दिस इल्क इस टाइप के लोगों की। कह रहा है हु प्रिफर, जो प्रिफर करते हैं पेशेंस अगेंस्ट गुड ओल्ड स्विंग, पेशेंस को, धैर्य को किसके सामने, गुड ओल्ड स्विंग के सामने, बॉलिंग के सामने, गुड ओल्ड बाद में बताऊंगा आपको, स्विंग बॉलिंग के सामने, और कब, इन कोल्ड क्लाइम्स, ठंडे क्लाइमेट्स में, क्लाइमेट मौसम में, क्लाइम मतलब क्लाइमेट या वेदर। सेंटेंस में देखने वाला, चलो गुड ओल्ड बताता हूँ आपको, इंग्लिश में पुरानी चीज़ें हैं ना वो सबके सब गुड बोलते हैं अपने, और जो ओल्ड है ना वो वैसे भी गुड माना जाता है इंग्लिश के अंदर, ओल्ड बुक्स, ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड वाइन्स, ओल्ड वाइन तो आप जानते हैं बहुत महंगी बिकती है बाजार में, 15-15 की बॉटल आती है, तो गुड ओल्ड मतलब ऐसी चीज़ जो पहले भी बड़ी थी अच्छी और आज भी बड़ी अच्छी है, सदा बाहर है, गुड ओल्ड स्विंग बॉलिंग मतलब सदा बाहर स्विंग बॉलिंग। थोड़े से फ्रेजेज इंग्लिश के, धीरे धीरे आप इनको पकड़ने लगोगे, आपको देखते समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। अच्छा लगाओ मुझे ज़रूर से कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, फटाफट से डाल दें इसकी समरी, चार सेंटेंसेज के अंदर आ जा रहा, सेंटेंसेज आपको यूज़ नहीं करने हैं। कल की समरी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, जिन बंदों बंदियों ने लिखी थी सबसे अच्छी मुझे लगी, वैसे मत बोलना मुझे बहुत लोगों की अच्छी लगी, पर यार निमिषा वास्तव में बहुत अच्छा लिखती हैं, निमिषा पाटिल इनका नाम है, परफेक्ट समरी है, ज़्यादा कुछ ही आंकड़े को यूज़ नहीं किया इन्होंने, छोटा मोटा आप जो है कहीं से छोटा मोटा फिगर दे दो और फिर अपनी जो ना एडिटोरियल की सोल को आपको पेपर पे लिखना होता है 5-7 सेंटेंसेस में। देखें इनकी समरी को, इसके बाद बहुत अच्छी समरीज यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, अविनाश ने लिखी है अच्छी लिखी है, मोहित राय ने लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, नीचे पूजा आएंगी, वीरेंद्र जी ने तो पूरी बहुत अच्छे से आंकड़े लिख दिए उन्होंने तो पूरे के पूरे ना, पूजा ने लिखी है, बहुत लोगों ने लिखी है, अभी मैं फ्री होकर के आपकी जो गलतियाँ हैं कोशिश करूँगा मिस्टेक्स को सही करने की। विनोद मेरे भाई मिस्टेक की स्पेलिंग सही करो, लास्ट में ही आता है, ठीक है ना। शबनम आपकी भी मैं चेक करूँगा समरी को, लिखो कोशिश करता हूँ सबकी चेक करने की, इसी बहाने आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी, थोड़ा मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। मुलाकात लूँगा कल के एडिटोरियल में, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। प्रोबेबली आज रात में गोल्डन ग्रामर सीरीज पार्ट 5 को मैं रिकॉर्ड करूंगा, कल आपको मिल जाएगा मेंबर्स को। साइनिंग आउट।